क्या आप जानते हैं कि केवल 30% आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने घर के खर्चे अपने आर्ट से निकाल पाते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में है कि आप कैसे अपनी आर्ट से अर्निंग कर सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि उन्हें आर्ट तो करनी है, आर्ट सीखनी है, आर्ट बनाना है, लेकिन वो अपने घर पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना घर चलाने की, से सारा कुछ खाना पानी वगैरह, घर का किराया, सारी कुछ चीज़ें जो बिल्स पे करने होते हैं, वो सब कैसे करें और आर्ट भी करते रहें वो भी ना छूटे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि जिनके लेट्स से पेरेंट्स भी उतने सपोर्टिव नहीं हैं, वो घर में ऐसा इन्वायरमेंट है ही नहीं मतलब कि आप आर्ट कर पा रहे हो, ड्राइंग कर पा रहे हो, मतलब वो पैशन वाली चीज़ तो चलो छोड़ दो, उसको तो दूर में ही रखो, लेकिन इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफ़िल हो पा रही है कि वो अपने घर की जो एक बेसिक रोटी कपड़ा और मकान वाली रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफ़िल कर पाएँ। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। तीन ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो बेसिकली आर्ट के थ्रू ऐसी एटलीस्ट ऐसी इनकम चाहते हैं कि जिससे उनका एटलीस्ट एक अमाउंट ऐसा बन जाए जिससे वो घर आराम से चला सकें। सबसे पहला तरीका वो है जिसमें आप अब लेट्स से आपने आर्ट बनाना शुरू किया, आप आर्ट अच्छी बना लेते हो, ठीक है, ठीक ठाक बना लेते हो। अब आप के पास एक ऑप्शन होता है, सबसे पहला ऑप्शन जो हम सबको पता है, हम सब बार बार उसका यूज़ भी करते हैं उस वर्ड को, दैट इज़ कमीशन आर्ट वर्क, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि कमीशन आर्ट वर्क का रेट क्या फिक्स करें, मिलेगा कैसे, क्योंकि आप तो देखो अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नौ सीखे हैं या जो बिल्कुल अभी इस मार्केट में नए उतरे हैं, जिन्हें नहीं पता कहाँ पे जाएं, क्या मतलब पड़ोस आस पड़ोस में ढूंढोगे, जाके लोगों को बोलोगे कि मेरे को आर्ट बनानी है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करोगे ऐसा? सबसे अच्छा तरीका है कि पहले शुरुआत में एटलीस्ट 10 ऐसे कमीशन आर्टवर्क करो जिसकी कॉस्ट या तो ज़ीरो हो या बहुत ही कम हो, ठीक है। और वो आपको कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ आपको कैसे एक्सप्लोर करोगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में किसी की शादी पड़ती है, वहाँ एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है कि जो ग्रूम और ब्राइड है उसका आप फोटो बनाओ, ठीक है, और वो वहाँ पे गिफ्ट करो स्टेज पे जा करके। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। एक तो आपको नाम मिल जाएगा, बेस फेम मिल जाएगा, ठीक है, लोकल फेम जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा, और उसमें से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको कोई आ करके आ जाए और डायरेक्टली अप्रोच करे कि यार हमें भी बना के दो। वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू सेट करनी है ना, फर्स्ट 10 जो ऐसे होंगे उनकी वैल्यू बहुत कम सेट करो ताकि वो जल्दी से कन्वर्ट कर सको आप उसको। ये अगर आपने लेट से शुरुआत में ही आपने 500 या 1000 रुपये आपने रख दिया कमीशन आर्टवर्क का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग इतना जल्दी अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं होते, और बाद में वही लोग हज़ारों देने को भी तैयार होते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, जैसे एक फ़ोन होता है ना मार्केट में आता है, तो जब शुरू शुरू में जिसको लत नहीं है उस फ़ोन की तो वो 5000 रुपये देने का भी सोचता है, और बाद में वो आईफोन खरीदते हैं वही लोग जिनको उसकी आदत पड़ चुकी होती है। तो आपको हैबिट क्रिएट करनी है दूसरों की कि वो लोग यूज्ड टू हो जाएं उस चीज़ के, वो लोग समझ पाएं कि उसमें कितना चार्म है, ठीक है, वो आपको बिलीव कराना है। और उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ सस्ते आर्टवर्क्स लेने होंगे, और वो जो आर्टवर्क आप बना रहे हो ना, सस्ते वाले आर्टवर्क्स आसपास जो लोग मिल रहे हैं आपको सराउंडिंग में, उसको आप इंस्टाग्राम पेज बना लो या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं पे आप उसको डालना शुरू करो। और अगर कमीशन आर्टवर्क का ही फोकस है तो यूट्यूब चैनल बना के उस पर भी आप शोकेस कर सकते हो कि हम इस तरह तरह से आर्टवर्क करते हैं और ये हमारा काम है। रेट्स भले वहाँ आप मत मेंशन करो, और आप कॉन्टैक्ट के लिए बोलता हूँ वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करें। ये बहुत ही आसान सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगले दिन से ही काम आना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप यार करते रहो, देखो आगे चल के आपको तरक्की मिल जाएगी, दो साल काम करो, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए है ये, जिनके यहाँ अभी ये सिचुएशन है कि उनको पैसे चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, और वो आर्ट के थ्रू चाहते हैं कि वो कैसे घर में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो ये तरीके हैं उसके, ठीक है। तो अब जब इंस्टाग्राम पे आप डालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में 10 आपने लेट्स से इंस्टाग्राम पे कमीशन आर्टवर्क डाले तो वहाँ पे आपको एक रीच मिलेगा। फिर क्या करो, जिनको आपने सस्ते बनवाया ना उनसे रिव्यू ले लो,
मतलब उनसे रिटन में उस पोर्ट्रेट के अगेंस्ट में बोलो कि आप इतना कम पैसे पे कर रहे हैं तो उस पर रिव्यू कर दीजिए। तो वो रिव्यू करके, अच्छा से रिव्यू लेकर के उसको भी आप टेस्टिमोनियल्स में डाल दो या स्टोरीज में डाल दो, ताकि लोग जो हैं अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आकर के आपसे काम करवाने के लिए अट्रैक्ट हों। कॉस्ट आपकी कम रहेगी, लोग ज़्यादा आएंगे, और फिर ग्रेजुअली उस प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करो। 100 से लेट्स से आपने पहला टाइम पे 200 रखा, ठीक है, फिर 200 से आपने 300 किया, 250, 300, 400, इस तरह करते करते आप बढ़ाओ ग्रेजुअली। फर्स्ट टाइम पे आप ये मत सोचो कि मेरे में तो टैलेंट है और मैं तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं चार्जेस ज़्यादा क्यों डालूँ, तो यार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत है तब बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है ऐसे मॉड्यूल की, घर पे सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप इस वाले फंडामेंटल को ना अपनाओ। अगर लेकिन अगर आप ज़रूरत है और आप चाहते हो कंट्रीब्यूट करना, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट सुटेड तरीका है। दूसरा तरीका वो तरीका है जिसमें आप अपने आस पड़ोस में कुछ अच्छे शॉप्स या होटल्स पे जा करके पर्सनली मिलो और बात करो और उनकी रिक्वायरमेंट को जानो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे आपने देखा भी होगा, आप जब जाते हो किसी अच्छे होटल में तो वहाँ क्या होता है, आर्टवर्क्स लगे होते हैं, बड़े बड़े आर्टवर्क्स लगे होते हैं, वो चीज़ आप ग्रैस्प कर सकते हो, उन्हें आप ऑफर कर सकते हो अपनी तरफ से। और बहुत बड़े होटल में मत जाना, नहीं तो वहाँ पे तो फिक्स्ड होता है, आर्टिस्ट भी फिक्स होता है और वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से लेते हैं, तो वहाँ पे तो दाल गलनी मुश्किल हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, किसी जो मीडियोक्री टाइप के होटल्स होते हैं ना, जो छोटे शहरों में अक्सर मिल जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर सकते हो। और ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे कोई एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है जो अभी नई नई बनी है, और वहाँ पे खासकर जैसे नोएडा जैसे सिटीज़ में मॉल्स बन रहे हैं डेली, उनसे कॉन्टैक्ट करके बात करो कि उन्हें क्या किसी आर्टवर्क के टाइप की ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है उनकी, और अगर है तो वो आप फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और मैंने देखा है मेरा ही एक अजीज़ फ्रेंड, उसने इसी फील्ड में आगे चला और अभी वो होटल के ही लिए कमीशन आर्टवर्क करते हैं। और ये ऐसा कमीशन आर्टवर्क नहीं होता जिसमें कि आप किसी का चेहरा बना रहे होते हो, नहीं, वो होटल की पर्टिकुलर थीम होती है, उस थीम पे आप काम करते हो। तो जो छोटे होटल हैं जो अभी भी खुले होते हैं, वो एक स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी बेसिकली होटल सुंदर हो रहा है आपके आर्टवर्क से, और वहाँ से आपको काम मिल सकता है। ट्राई मार के देखो यार, देखो ट्राई मारना, एफर्ट मारना, ये सब कुछ आपके ऊपर है। मैं आपको बता सकता हूँ ये तरीके आप सोच सकते हो, हो सकता हो ये तरीका अभी किसी ने ना सोचा हो, और अगर नहीं सोचा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि इस तरीके के तरीके मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों को बताने की, एक्सप्लोर करता रहता हूँ खुद भी और आपको भी समझाता रहता हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट कि आप ये तरीका ऑप्ट करके देखो और फिर मुझे बताना कि क्या ऐसी कोई आपकी डील वगैरह कुछ हुई किसी से, और अगर हुई तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे एक थैंक्स भेज देना, क्योंकि ये मुझे लगता है ये चीज़ वर्कआउट कर सकती है। इसमें आप इसमें भी वही चीज़ रखो, प्राइसेस बहुत कम रखो। शुरुआत में ये मत सोचो कि मुझे बिल्कुल अर्न ही कर लेना है, पहले धीरे धीरे अपना एक सर्टेन स्टेज पे आओ, ठीक है। जैसे आप एक होटल के लिए करोगे, वो आपके लिए खुद प्रमोट करेगा अगर आप कम रेट्स पे करोगे उसको, फिर धीरे धीरे उसमें आप बढ़ाते जाओ ग्रेजुअली। एक बार में छलांग मत मारने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपकी जो एम है वो ये है कि आपको घर पे एक मिनिमम अमाउंट लेके जाना है, ठीक है, ताकि आप मदद कर सको घर वालों की। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट वो पॉइंट है जो हम सभी बेसिकली कर रहे होते हैं, और ये बहुत क्लासिकल तरीका है, अपने ही आस पड़ोस में लोगों को ढूंढो, ठीक है, और उनको बोलो, उनके बच्चों को बोलो, उनको आर्ट सीखनी होती है, ठीक है। और वो जनरली जो छोटे शहर हैं वहाँ पे ये बहुत देखा गया है कि वहाँ पे इस टाइप के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप एक हॉबी सेंटर कर सकते हो, या आप छोटे बच्चों को आर्ट सिखा सकते हो, और उसमें दो तीन चीज़ें और मिक्स कर लो, ठीक है, आर्ट एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, दो करके इंक्लूड कर दो कि हम ये दोनों चीज़ें सिखाएंगे, और ये तो आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। शुरुआत अगर करनी है तो आप बच्चों को आर्ट सिखाओ अपने आसपास में, सराउंडिंग में, और उनसे बहुत ही कम अमाउंट ही लो। क्लासिकल तरीका है, बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, और ये कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी जिसको बोलते हैं ना एवरग्रीन तरीका है, टीचिंग जो है वो एवरग्रीन है,
पहले भी था अब भी है, तरीके बदल गए हैं, लेकिन शुरुआत में एक एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग का तो मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बड़ा एक बिजनेस है जो इनफैक्ट अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जब से कोविड आया है उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ही एक सोर्स रखो, ये एक सोर्स है, इसके बाद कमीशन आर्ट वगैरह अगला सोर्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करना एक अगला सोर्स है, सारे सोर्सेस पे काम करने पड़ेंगे आपको, एक पे ही नहीं स्टिक करके रहना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें मैंने कुछ और चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया, जैसे कि यूट्यूब पे आप आकर के आर्ट सिखाओ, या फिर इंस्टाग्राम को कैसे आप ग्रो करो कि वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि ये देखो ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है, और लॉन्ग टर्म गोल्स को मतलब आपको टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और अच्छे से आपको सेटअप वगैरह करके मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट फुलफ़िल करनी है कि एक कैमरा, ट्राईपॉड, माइक, एक लाइट्स, ये सब होना चाहिए, और उसके बाद आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हो। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भी तरीके बहुत ही अच्छे तरीके हैं, मैंने यूट्यूब पे आप आर्ट को शोकेस करना हो या फिर इंस्टाग्राम को ग्रो करना हो, लेकिन ये सारे उसके पैरेलल हैं। मतलब अगर आप कमीशन आर्टवर्क कर रहे हो और छोटे छोटे पैसे अमाउंट अर्न कर रहे हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो उसमें जो आर्ट वर्क आपके बन रहे हैं उसको, मैंने जैसे आपको बताया कि उसको ही यूट्यूब पे डालो, उसको ही इंस्टाग्राम पे डालो, तो इंस्टाग्राम भी ग्रो होगा, यूट्यूब भी ग्रो होगा, और आपकी अर्निंग भी बनती रहेगी, जो आपकी घर की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाएंगी। तो तीन वो तरीके जो मैंने आपको बताए, मुझे लगता है आपको पसंद आए होंगे, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसके ये तरीके आपको कैसे लगे, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में और कोई तरीका हो तो वो भी ज़रूर बताना, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आर्ट टॉक की आएगी वो आएगी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और मैंने को जो पुराना मैंने वीडियो डाला था कि आपके आर्ट में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, तो लोगों ने बोला था पेरेंट्स वाला पॉइंट बहुत बार आया था, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।